नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे NSP का ही एक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, जिसका नाम है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कॉलरशिप स्कीम AICT के अंदर आता है, जिसमें स्टूडेंट को अप टू 50,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप का अमाउंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो जरूर अप्लाई कर देंगे। आगे इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम कब ओपन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा और आशा करूँगा वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नया नया स्कॉलरशिप गवर्नमेंटल प्राइवेट स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट हमेशा पाने के लिए। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल है, जहां पर सेंट्रल स्कीम है, UGC AICT स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट का भी यहां पर स्कॉलरशिप स्कीम है। आज इस वीडियो में बात करेंगे UGC AICT के अंदर जो आता है स्कॉलरशिप स्कीम। देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एडुकेशन AICT, इसके अंदर आता है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो ये कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, देख सकते हैं यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को पर ईयर 50,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप का अमाउंट है। और इसमें डॉक्यूमेंट लगता है, तो आपको 10th का मार्कशीट लगता है और 12th का मार्कशीट लगता है, फिर फैमिली इनकम लगता है। फैमिली इनकम अप टू 8 लाख से कम होना चाहिए, जिसका गार्जियन का फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो अप्लाई नहीं कर सकते, 8 लाख से कम फैमिली इनकम होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप में जनरल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आगे और इसका एलिजिबिलिटी का बात करूंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस स्कॉलरशिप में देख सकते हैं आपको फैमिली इनकम चाहिए, उसके बाद एडमिशन लेटर, जिस कॉलेज में आप अभी एडमिशन कराएंगे नया सेशन के लिए उस कॉलेज का एडमिशन लेटर चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट, यहाँ पर लेटर हेड इंस्टीट्यूट से आपका लेटर हेड मतलब बोनाफाइड जिसको हम लोग बोलते हैं वो सर्टिफिकेट भी चाहिए, फ्री रिसिप्ट और ट्यूशन फी का फ्री रिसिप्ट, मतलब स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराएंगे उस टाइम आपको फ्री रिसिप्ट मिलेगा, या फिर कॉलेज में आप बताएंगे कि हम नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं फ्री रिसिप्ट चाहिए, तो कॉलेज से बोनाफाइड में लेटर पेड में वो लोग फ्री रिसिप्ट बना के आपको देंगे। स्टूडेंट का बैंक का पासबुक चाहिए, जो कि आधार लिंक होना चाहिए, मतलब आधार बेस्ड पेमेंट इसमें होता है, तो आप अगर अकाउंट देंगे तो उसमें आधार सीडिंग मैंडेटरी, आधार सीडिंग करके देंगे। जिस स्टेट में आधार बैंक मैंडेटरी नहीं है वो लोग आधार सीडिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए बैंक अकाउंट के साथ, क्योंकि 50,000 का स्कॉलरशिप का अमाउंट है, कोई भी CSP मिनी ब्रांच नहीं देंगे, अच्छा खासा बैंक देंगे जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन लिमिट ना हो, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इफ़ एप्लीकेबल फॉर ST SC OBC कैंडिडेट, मतलब ST SC OBC कैंडिडेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, इसलिए वही लोग कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, जनरल स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है तो आप लोग को नहीं लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट का आधार चाहिए और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पेरेंट्स का यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको डाउनलोड करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर अपलोड का ऑप्शन नहीं भी मिलेगा तो आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट NSP में देता है, जैसे बोनाफाइड डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, उसको डाउनलोड करके अपना कॉलेज से सील मोहर करा के फिर दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे बात करता हूँ और एलिजिबिलिटी का, तो ऐसा स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट है, ये प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम देख सकते हैं, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है, टेक्निकल डिग्री और टेक्निकल डिप्लोमा स्टूडेंट, जो स्टूडेंट डिग्री और डिप्लोमा कर रहे वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। गर्ल्स स्टूडेंट परसुइंग टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा कोर्स इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आगे बात करता हूँ कैसे आप लोग को अप्लाई करना है और नया सेशन के लिए कब फॉर्म ओपन होता, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी ओपनिंग सून बता रहा है, देख सकते हैं, तो जब सेंट्रल स्कीम के लिए सभी स्कॉलरशिप का ओपन हो जाएगा, सेंट्रल स्कीम के लिए, UGC के लिए, उस टाइम प्रगति स्कॉलरशिप भी ओपन होगा, जिसका हम पहले वीडियो पे आप लोग को बताया, इस वीडियो को आप लोग नहीं देखा तो देख लीजिएगा। नया सेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम NSP में ओपन होता है 15 अगस्त के बाद, 16 अगस्त को नया नोटिफिकेशन आता है और 16-17 अगस्त से स्कॉलरशिप अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप लोग का नया सेशन के लिए फॉर्म ओपन होगा मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, तो चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 16-17 अगस्त से ये स्कॉलरशिप स्कीम ओपन हो जाएगा, तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो उसको आप अप्लाई कर देंगे।